सिक्स का जो चैप्टर नंबर फाइव है उसमें एक्सरसाइज है 5.3 और 5.4, तो उसके लिए कुछ बेसिक है। 5.3 के लिए यहां पर देखो एंगल है, एंगल में बताना एक्यूट कब आता है, ऑब्ट्यूज कब आता है और रिफ्लेक्स कब आता है। अब देखो मैंने पिछली एक्सरसाइज में 5.2 में बताया था कि 1/4 जो है ना वो आता है आपके राइट एंगल के लिए, 1/4 आता है राइट एंगल के लिए, 1/2 आता है हाफ एंगल के लिए, इसको हम बोलते हैं यहां पर स्ट्रेट एंगल के लिए। तो यहां पर आएगा आपके स्ट्रेट एंगल के लिए आता है 1/2, और एक आता है आपके ओनली वन वन रोटेशन पूरा कंप्लीट, तो उसके लिए आता है आपके कंप्लीट एंगल। तो यहां पर आने वाला है आपके कंप्लीट एंगल आने वाला है। अब आपको ध्यान रखना है यहां पर, देखो जैसे मैं अगर यहां पर इनको लेता हूं ऐसे, अब हम बात करते हैं बाकी के तीन की बात करते हैं। यहां पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो हमें बात करनी है एक्यूट के बारे में। अब एक्यूट में क्या होता है कि जो एंगल 1/4 मतलब इनके बीच में आता है, इसके बीच में यहां पर जो 1/4 से कम हो तो वो आता है आपके एक्यूट एंगल में। तो एक्यूट एंगल कहां पर आता है, आपके 1/4 में आता है एक्यूट। अब ऑब्ट्यूज कहां पर आता है, ऑब्ट्यूज आता है हाफ एंड 1/4, हाफ एंड 1/4 के बीच में आता है, बिटवीन 1.5 एंड 1/4, 1/4 और 1/2 के बीच में आता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज है ना वो यहां पर आता है 1/4 एंड 1/2 के बीच में आता है, 1/4 और 1/2 के बीच में क्या आता है, ऑब्ट्यूज आता है। एक्यूट जो है ना वो आपके 0 to 1/4 के बीच में आता है, या कह सकते हो लेस देन 1/4 भी कह सकते हो। अब है आपके रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स कब आता है, रिफ्लेक्स आता है आपके ग्रेटर देन हाफ मतलब हाफ से बड़ा है, अगर हाफ से आगे जाएगा मतलब रिफ्लेक्स जो है ना वो यहां पर आता है, रिफ्लेक्स जो है वो यहां पर आता है, यहां पर मतलब हाफ से भी ज्यादा, तो वो कहां पर आएगा आपके रिफ्लेक्स में। अब देखो यहां पर अगर समझ में नहीं आ रहा आपको तो यहां पर देख लो, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है इसको अगर मैच करोगे तो आराम से हो जाएगा। जैसे यहां पर हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल का, तो स्ट्रेट एंगल कहां पर आता है आपके, ये होता है हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, आधे में, हाफ में, हाफ में होता है स्ट्रेट एंगल। हाफ में क्या होता है, स्ट्रेट एंगल जो मैंने आपको अभी बताया था, ये रहा यहां पर देखो, हाफ का मतलब होता है स्ट्रेट एंगल, बस वो हिंदी में वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये यहां पर नंबर में दिया हुआ है। राइट एंगल क्या होता है, 1/4, राइट एंगल क्या होता है, 1/4 होता है। तो यहां पर हम 1/4 कहां पर है, ये रहा 1/4 जो है ना वो आता है आपके राइट एंगल। आगे है एक्यूट एंगल, एक्यूट कहां पर आता है, लेस देन 1/4, तो लेस देन 1/4 कहां पर है, यहां पर, ये देखो 1/4 का, 1/4 से भी कम, जो मैंने अभी आपको बेसिक में अंदर यहां बताया था, लेस देन 1/4, 1/4 से भी कम है ना वो आपके आता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज कहां आता है, ऑब्ट्यूज आता है 1/4 एंड 1/2 के बीच में, हाफ एंड 1/4 के बीच में आता है, तो हमारा आंसर होगा ये वाला। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स कहां आता है, हाफ से भी ज्यादा हो, तो यहां पर हम लेते हैं हाफ से भी ज्यादा। अब हाफ से ज्यादा कहां पर है, ये रहा इधर, इधर ये रहा, मोर देन हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन, यहां पर आता है। अगर एक पॉइंट और लेंगे तो यहां पर 6 से इधर 5 ही है, ये जो बच गया ना ये आता है आपके कंप्लीट एंगल। ये किसके लिए आता है, आप इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये आता है आपके कंप्लीट एंगल के लिए आता है। कंप्लीट एंगल अगर लिखा हुआ ना, तो वन रेवोल्यूशन, जो मैंने अभी बताया था आपको, ये देखो वन रेवोल्यूशन मतलब होता है कंप्लीट एंगल, 1 एंड 2 के बीच में आता है तो ऑब्ट्यूज, और 1.5 से भी ग्रेटर आता है तो रिफ्लेक्स, और एक्यूट होता है 1/4 से कम, लेस देन 1/4। तो आप अगर वहां समझ में नहीं आया तो यहां पर आप मैचिंग से भी समझ सकते हैं किसका मतलब क्या होने वाला है। हमें करना है क्लासिफाई करना है कि कौन सा राइट है, कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा एक्यूट है और कौन सा ऑब्ट्यूज है। अब ये थोड़ा ध्यान देंगे, ये 1/4 से भी कम है तो ये आपका है एक्यूट, ये क्या आएगा आपके एक्यूट आएगा, ये
वन फोर्थ और वन टू के बीच में आया हुआ है, तो ये आपके ऑब्ट्यूज है। और यहां से यहां तक है जो वन फोर्थ है, तो ये आएगा आपके 90 डिग्री। इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। ये देखो आपके हाफ से भी ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स। ये इस पर डिपेंड करता है, इस लाइन पर ध्यान रखना। ये देखो पूरा हाफ है, कंप्लीट हाफ, तो इसमें आता है स्ट्रेट। ये आने वाला है आपके स्ट्रेट एंगल। आप चौथे आप स्केल लगाओ, स्केल स्केल के बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट। ये भी एक्यूट है और ये भी एक्यूट है, तो ये आने वाला है आपके एक्यूट एंगल। बस आपको देख के बताना है कि कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा स्ट्रेट एंगल है, कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है। बस आपको डायग्राम को देखना है ध्यान से और समझना है कि ये क्या दे रखा है।